विंड सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीरपीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी, तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विंड सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। हर साल की तरह इस साल भी माह रमजान अल मुबारक के इस मुकद्दस मौके पर अल मदीना सोसाइटी की जानिब से GHMC वर्कर्स में रमजान अल मुबारक के तहाइफ तकसीम करते हुए सभी में खुशियां बांटी गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खसूसी के तौर पर जनाब SA आरिफ, एक्स काउंसलर मिर्जा रशीद बेग, कॉन्टेस्टेड कॉरपोरेटर और इनके अलावा कमेटी मेम्बर्स जिसमें अल मदीना सोसाइटी के मोहम्मद सलीम जावेद प्रेसिडेंट, एडवोकेट मिर्ज़ा शुएब बेग जनरल सेक्रेटरी, मिर्ज़ा इम्तियाज़ बेग सेक्रेटरी, मिर्ज़ा रियाज बेग जॉइंट सेक्रेटरी, मिर्ज़ा रिजवान बेग और दिगर कई सारे ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे नाज़रीन के अल मदीना सोसाइटी की जानिब से हर साल इसी तरह बेहतरीन खिदमात अंजाम दिए जाते हैं और कई सारे ज़रूरतमंद आवाम में बेहतरीन फलाही खिदमात भी अंजाम दी जाती है। आइए देखते हैं इस खसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर अकबर अली खान की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल मदीना सोसाइटी हैदराबाद तेलंगाना स्टेट, जो पिछले 16-17 साल से हैदराबाद शहर में काम कर रही है, जिसका सिर्फ मकसद एक ही है, आवाम को खिदमत करना है, खिदमत खल्क। जिसका जो पर्टिकुलर सदर का नाम हो या सदर की फ़ोटो हो या सदर सेक्रेटरी की फ़ोटो हो या चेयरमैन की हो, ऐसा कुछ भी नहीं है बैनर पर, किसी का नाम और निशान नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत खल्क है। और इसका अजर जो है सो ऐप से हमको अल्लाह ताला ज़रूर फरमाएगा, वो उम्मीद से हम इस नए काम में बढ़ चढ़ के हमारे साथियों में जो है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और इसके जो काम करने का अंदाज़ है बहुत ही प्यारा है, किसी को कुछ अभी मीडिया के सामने आने का मतलब यही है, एक छोटा सा पेशकश है छोटा मीडिया के ज़रिए कि हमारा देख के, हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, देख के हमारे कौम के नौजवानों को ये जज्बा पैदा हो के उनके महल्ले में भी उन्हों भी इसी तरह गरीब आवाम की खिदमत करें और उनको देख के और चार आगे बढ़े, ये हमारा मकसद है। इसीलिए मीडिया के सामने इसको लाया गया, अब तक इसको मीडिया के सामने नहीं लाया गया था। और समर में वाटर कैंप्स मनक़द किए जाते हैं, इसके अलावा जो बच्चे स्कूलों को नहीं जाते उन लोगों को स्कूल का सहूलत फ्राहम की जाती, जो किताबें और बुक्स वगैरह और बैग्स वगैरह यूनिफॉर्म वगैरह जो एकदम गरीब लोग हैं उन लोगों को भी इसमें सहूलतें फ्राहम की जाती। और अब आने वाले दिनों में जैसा कि अभी आरी साहब ने बताया, आप खुद ही मस्जिद अक्सा के जो सदर है, जामा मस्जिद है, तो वैसे ही कुतबुल्लापुर म्यूनसिपल में पूरे जामा मस्जिदों का जायज़ा लेके हर जामा मस्जिद में ये अल मदीना सोसाइटी का जो प्लान है वहाँ पे हर लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए एक जामा मस्जिद में एक अलमारी रखी जाएगी, जिसमें लेडीज़ के लिए 20 कफन और जेंट्स के लिए 20 कफन का इंतज़ाम किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो महल्ले की मस्जिद है, जिस महल्ले में जो मस्जिद है वहाँ के इमाम को सदर को ज़िम्मेदारी दी जाएगी, जो भी गरीब है मुश्ताक है जिसको ज़रूरत है वो इमाम और सदर तस्दीक करके उनको सिर्फ फ़ोन कॉल के ऊपर वो उनके घर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये भी हम लोग नियत करे हैं और इमीडिएटली इसको बाद रमजान के अब इसको अमल में लाएंगे। सबकी दुआएं हम चाहते हैं इस काम में जो है अल्लाह ताला हमारा पूरा हमारे साथ हो और आप लोगों की दुआएँ हमारे साथ हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 125 डिवीज़न गाजुला रामाराम में अल मदीना सोसाइटी एजुकेशनल सोसाइटी के जानिब से जो स्वीपर से हमारे GHMC में काम करने वाले हैं उनके लिए लेडीज़ को एक साड़ी, जेंट्स को एक पैंट शर्ट का पीस, हमारे अल मदीना सोसाइटी वालों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये लोग गुज़िश्ता साल भी और ये सोसाइटी कई तरीके में आगे है, जैसे कि झुपकाले में पीने का पानी पिलाने में, बच्चों को बुक्स पेंसिल्स देने में,
और म्यूनसिपल में म्यूनसिपल के जो भी स्वीपर्स है, गरीब लोग हैं, उन लोग के लिए एक सारी एक पॉइंट दिए। मैं अल मदीना सोसाइटी टोटल मैनेजमेंट और ग्रुप को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये एक खुशी का इजहार करते हुए, स्वीपर जब काम करता हमारे पूछने वाले कोई नहीं रहते बोलकर उन लोगों की एक फीलिंग रहती, लेकिन आज जिस हिसाब से उन लोग को आज हमारे अल मदीना सोसाइटी के जानिब से हमारे अजीज़ सलीम जावेद साहब के जानिब से आज ये जो मौका करे, मैं उनको भी वो स्वीपर्स लोगों की तरफ से आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आपके सोसाइटी को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से गुजारिश है, कई ऐसे मामलात में गरीब के लिए सामने ठहरने के लिए और गरीब की एक हिम्मत अफजाई करने के लिए आप लोग को तहे दिल से ये मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। नाज़रीन, क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, कील मुहासे या फिर झुर्रियों से परेशान हाल है, या फिर दांतों के मसाइल से दो चार है, तो आपके सभी मसाइल का हल रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक्स के पास मौजूद है। यहां पर बेहतरीन व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में बेहतरीन एडवांस टेक्नोलॉजी व मशीनरीज का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन व 100% मुकम्मल कामयाब इलाज फराहम किया जाता है। मजीद तफसीलात के लिए सीधे चले आए, हमारा पता है मासअप टैंक फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी